दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube वीडियो में, जहां पर मैं आपको रिबेल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज़ के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जनवरी 2024 तक। शुरू करते हैं रिबेल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एरियाज पर जब हम बात करेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम मैप्स के साथ साथ मैं आपको सभी प्लेसेस को दिखाते जाता हूं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कि क्यों पढ़ना है हमें रिबेल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज़। इसका आंसर हमें मिलेगा पीवाईक्यूज में। देखते हैं 2022 का ये सवाल देखिए। रीजन ऑफन मेंशन इन न्यूज, अम्हारा, कटालोनिया, अंतोलिया, अनातोलिया, इन सबका रीजन क्या था? अम्हारा इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस इन न्यूज अबाउट इट कॉन्फ्लिक्ट। डॉनबास इन न्यूज, काचिन म्यांमार में है, तिगरे, अगेन तिगरे अम्हारा एक ही रीजन है जो फेमस है अपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए। फिर आते हैं रीजन ऑफन मेंशन इन न्यूज, नॉर्थ कीवू एंड इतूरी, this is a place in between Armenia and Azerbaijan, these are the Ukraine places. फिर से 2023 में आया, ये 2023 में आया, ये 2023 में आया, इनमें से कौन से रीजन में कुछ कुछ ऐसा सिविल स्ट्राइफ हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, अगेन अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर आते हैं ददाब एक ऐसा रीजन है जो 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया, this is 2009 prelims, और ये 2023 में फिर से आया, प्लेस इन कॉन्फ्लिक्ट अगेन। फिर हम आते हैं अगेन दीज आर बींग इन न्यूज, बट वॉट इज इट इन न्यूज फॉर? मिलिट्री बेस चाइना में सस्पेंशन ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। पीवाईक्यूज इन जनरल आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से जो प्लेसेज इन कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे उन 8 प्लेसेज इन न्यूज के बारे में, उन 8 कॉन्फ्लिक्ट रीजन इन न्यूज के बारे में जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले, एज आई सेड, chaos is something which UPSC appreciates to bring a question to you. लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? Because eventually all these chaoses have a direct impact on India's interest. Or if there is anything that is impacting India's interest, it's essential that you as a future civil servant know about it. शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कुड्स पे। कुड्स are believed to be a ethnic class जिसके पास अपनी कोई कंट्री नहीं है। It's the largest stateless ethnic bunch of people. ये कहाँ कहाँ पर है? ये टर्की में है, आर्मेनिया में फैले हुए हैं, सीरिया में है, इराक में है, ईरान में है। तो एक डिमांड है कि इस रीजन को, जो रीजन यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, इसको कुर्दिस्तान बना दिया जाए। लेकिन कुर्द्स अभी न्यूज़ में क्यों है? देर वॉज दिस वुमेन नेम्ड महसा अमीनी हु वाज किल्ड इन ईरान। तो एज आई सेड, कुर्द्स आर द लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप, और ये मैप्ड कंट्रीज में जहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुर्दिस्तान की एक मांग रखते हैं। इसकी ऐसा क्यों हुआ, ये सब जरूरी क्यों पड़ा? तो इसका इतिहास ये है कि ट्रीटी हुई थी सेवरेस की 1920 में, इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, और उसमें इनको वादा किया गया था दैट कुर्दिस्तान विल बी गिवन टू कुर्ड्स। 2023-2024 आ गया है, आज भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। बट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि ये मैप एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इस मैप का जो लिंक है, ये पूरे ट्विटर थ्रेड था मेरा जो मैंने अपने अकाउंट @CSEY पर पोस्ट किया था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाकर ये मैप्स को सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड रीजन हैज बीन अल शबाब। अल शबाब जो है ये सोमालिया में पड़ता है। सोमालिया, अगर आपको याद हो, इट्स वन ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती 4 कंट्रीज आती हैं। बट अल शबाब न्यूज में क्यों है? बिकॉज US एंड सोमालिया स्ट्राइकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अल शबाब। अल शबाब है क्या? एक अलफायदा का आउटफिट है जो ये जो भी रीजन्स है इनमें ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर आप मैप में डिटेल से उसको देख भी सकते हैं। एज आई सेड इन द प्रीवियस डिस्क्रिप्शन, आपको ये लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इन सभी मैप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे ट्विटर अकाउंट पर ये पूरी थ्रेड आपको एज इट इज मिल भी जाएगी। फिर हम आते हैं हाउथीज़ पर। हाउथीज़ ने बहुत बवाल मचाया हुआ है बबल मंदेब के आसपास, जितना भी रेड सी का रीजन है उसमें उन्होंने येमेन का जो वो एरिया है उसको पूरा कंट्रोल किया है। अब वो कितना एरिया क्या कंट्रोल करते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख ही रहा है। पोर्ट ऑफ एडन, अगेन अ वेरी पॉपुलर रीजन जो ग्लोबल शिपिंग में आपको बहुत ही बार बार सुनने को मिलता रहेगा। गल्फ ऑफ एडन भी आपको सुनने को मिलता है। ये न्यूज़ इसलिए है बिकॉज दे आर अटैकिंग द कमर्शियल वेसल्स इन द रेड सी। रेड सी यहाँ पर है, येमेन जो है, येमेन और सऊदी यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं। हियर वी हैव अफ्रीका, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सीड निमोनिक बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए। ईरान बैक्ड येमेनी रिबेल्स जो हैं उन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है, एंड नाउ द आइडिया इज ईरान ने ऐसा क्यों किया, व्हाई इज ईरान बैकिंग समवन सो फार? अगर आप यहाँ पर देखें
तो ईरान यहाँ पर है, सऊदी है यहाँ पर, और इसके यहाँ नीचे जो यहाँ पर एक रीजन बनता है, यहाँ पर येमेन है। इट्स अ क्लासिक इस्लामिक फाइट विच इज हैपनिंग, शिया वर्सेस सुन्नी। सऊदी इज वन सॉर्ट ऑफ ऑन वन साइड ऑफ इट, ईरान इज ऑन द अदर साइड ऑफ इट। और ईरान चाहता है कि ये जो इमीडिएट बॉर्डर है सऊदी का, इस पर थोड़ा सऊदी बिजी रहे ताकि ईरान कैन डू व्हाटएवर इट वांट्स इन इट्स ओन एरिया ऑफ कंट्रोल, पर्शियन गल्फ में जो भी वो करना चाहे। तो ऐसे में एक पूरा इतिहास है इसका भी। एक ग्रुप था जैदी शिया रिवाइवलिस्ट ग्रुप को माना जाता है, जो बिलीविंग यूथ के साथ शुरू हुआ था, और उसके जितने भी लड़ाके थे वो आजकल एक रिबल ग्रुप फॉर्म करके हाउथीज बन चुके हैं। और सिंस आई एम अज्यूमिंग कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से अखबारों में आमतौर पर हर रोज आपको पता चल जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं M23। M23, इससे पहले मैं M23 एक्सप्लेन करूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, विच इज कीवू। कीवू, ये कीवू कहाँ आया? ये कीवू आया यहां पर। इसीलिए माय फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज रेगुलरली अपने न्यूज़पेपर से भी पढ़ते रहना है। लेकिन कई बार आप मिस कर देते हो, कई बार प्रीवियस को रिवाइज कैसे करना है, तो रिवाइज कहाँ करोगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं हर रोज इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों से जितने भी कीवर्ड जरूरी है, कोई भी प्लेसेस इन न्यूज, स्पीशेस इन न्यूज, उन सभी को प्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि आज के अखबार में आपको एग्जैक्टली यूपीएससी सेंट्रिक पढ़ना क्या है, विच इज बेसिकली रीडिंग रिकमेंडेशंस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों न्यूज़पेपर से आपको वो डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन जो आपके यूपीएससी सेंट्रिक में रेलिवेंट है वो आपको मिलती रहेगी। कमिंग टू M23, M23 एक रवांडा बैक्ड ग्रुप है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कुछ ना कुछ इंसर्जेंसी एक तरीके से कर रहा है, जिसकी वजह से एक मैसिव इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई इन सभी रीजन्स में। ये एक तुत्सी लेड ग्रुप है इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ DRC, जहाँ पे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसका इतिहास कहीं ना कहीं 1994 रवांडा जेनोसाइड में आपको मिल सकता है, बिकॉज दीज हुतू एक्सट्रीमिस्ट मैसेकर्ड मिलियन प्लस माइनॉरिटी, 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को हुतू एक्सट्रीमिस्ट ने मार दिया था। वहां से फिर एक पूरा इतिहास शुरू हुआ, और उसकी एक अपनी अलग कहानी है, जिस पर मैं कभी और एक वीडियो बनाकर आपको वो सब समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना है दो तीन चीजें। सबसे पहली तो यही कि नॉर्थ किवू, साउथ किवू, बुकावू, गोमा, बेनी। साथ ही साथ आप ये याद रखिए रवांडा क्या है, बुरुंडी क्या है, इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। DRC की कैपिटल है किंशासा। टैंजानिया भी DRC का बॉर्डर है, जाम्बिया भी बॉर्डर है, एंगोला भी बॉर्डर है, कॉन्गो जो DRC और कॉन्गो अलग अलग हुए थे रिपब्लिक, उसमें आपको ये डिटेल्स याद रखनी है। हमास एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जिसने हाल फिलहाल में इसराइल पर हमला किया, वन ऑफ द वर्स्ट अटैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इसराइल केम अप। ये ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज दिस इज हाईली इन न्यूज़। आपके इस मैप के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी हैं और पता होनी भी चाहिए। तो हमास एक पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल आर्म ग्रुप था, जो शुरू हुआ था पॉलिटिकल आर्म ग्रुप के तौर पर, पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर, बाद में इन्होंने आर्म्स उठाए और गाजा और वेस्ट बैंक, गाजा एंड वेस्ट बैंक में ये लोग ऑपरेट करते हैं। द गोल इज टू समहाउ टीच अ लेसन टू ज्यूज, जो कि हमने लेटेस्ट अटैक में देखा भी कि किस तरीके से पूरा पूरा गेम वहां पर हुआ। आगे बढ़ते हैं म्यांमार। म्यांमार हमारे पड़ोस में। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, काचिन। काचिन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? काचिन के लिए आप फिर से वापस PYQs में जाइए। काचिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। 2023 के PYQ में आपसे पूछा गया था कि क्या काचिन इथियोपिया में है। अगर आपने अखबार को ढंग से पढ़ा होता, अगर आप म्यांमार को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता कि काचिन इथियोपिया में नहीं, म्यांमार में है, हमारे अपने पड़ोस में है। बट अगेन, म्यांमार जनता का क्या रूल है यहाँ पर, किस तरीके से सामने आया? तो सबसे पहले तो इस मैप को देखकर समझिए कि कौन कौन अभी इन फैक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ऐसी न्यूज़ है कि द मिलिट्री इज कंडक्टिंग जेनोसाइड अगेंस्ट द सिविलियंस ऑफ म्यांमार, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक इशू। इसकी वजह से इंडिया के मिजोरम में भी काफी इश्यूज आए थे, बिकॉज अ लॉट ऑफ जो पीपल
जो एक ऐसी ट्राइब है जो म्यांमार में भी रहती है और इंडिया में भी रहती है। तो जब ये जेनोसाइडल टेंडेंसी हुई और जब म्यांमार जनता का कूप हुआ, जब आंग सान सू की को इन्होंने बंदी बनाया, तो ऐसे में ये बहुत दिक्कत आई कि इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने कहा कि बॉर्डर्स को सील किया जाए, वाइल मिजोरम गवर्नमेंट रिफ्यूज, दे सेड नो देयर आर ट्राइबल ब्रदर्स, वी कम फ्रॉम द सिमिलर एंसेस्ट्री। तो वहाँ पर काफ़ी क्लैशेस हुए और एक फ्लो जो है वो बढ़ा इंडिया में। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम इंडिया के लिए ज़रूर है एंड हैंस इट वॉज इन न्यूज़। यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि म्यांमार इज़ अ पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल यहाँ पर बनता है। ऑन दी अदर साइड जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ हम देखते हैं ईरान के साथ साथ, तो ये गोल्डन क्रीसेंट बनता है। गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्राइंगल क्या है? सिंस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई अज्यूम दैट यू आर सीरियस एस्पिरेंट, तो आपको पता होगा कि गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल ये दोनों दुनिया का सबसे ज़्यादा ड्रग्स का जो कल्टिवेशन होता है, ट्रेड होता है, वो यहाँ पर है। और इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है इंडिया, तो इसके अपने अपने चैलेंजेस हैं, वो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर पर हो चाहे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर। बट फॉर नाउ यू नीड टू नो दैट म्यांमार जनता इज अ कॉन्फ्लिक्टेड रीजन। कितना कितना एरिया कौन कौन कंट्रोल करता है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं टिग्रे। टिग्रे और इसके साथ एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ, अम्हारा। टिग्रे और अम्हारा इतने पॉपुलर रीजन है अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि ये देखिए, यूपीएससी 2022, अगले साल 2023, टिग्रे और अम्हारा एक साथ के ही रीजन है एंड दे आर इन न्यूज एज वी कैन सी। तो दरअसल ये टिग्रे है जो ये मार्ग है, इसी के नीचे यहाँ पर अम्हारा है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे तो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट एंड एज आई कीप सेइंग इट रिपीटेडली कि आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर CSEY पर ये सारे मैप्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तो आप एक अकाउंट बनाकर मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, लेकिन उसका लिमिटेड और ऑप्टिमाइज यूज करिएगा, बिकॉज डोंट गेट लॉस्ट इन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन ट्विटर। आगे आते हैं, देर इज अ वेरी फेमस प्लेस, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन इन न्यूज, दैट इज कॉल्ड दारफूर। अब दारफूर क्या है ये समझिए आप। अब दारफूर दरअसल सूडान और साउथ सूडान, सूडान का पार्ट है विच इज दारफूर। चैड से इसका बॉर्डर लगता है, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, CAR जो कंट्री है उससे इसका बॉर्डर लगता है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ पर आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में एक लड़ाई है। बेसिकली अब यूँ समझिए कि ये दो जनरल्स के बीच की लड़ाई है। इसमें एक ग्रेजिंग राइट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जहाँ पर नोमैडिक अरब्स और ट्राइबल अफ्रीकन्स के बीच क्लैश हुआ। गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के अगेंस्ट एक जीनोसाइडल टेंडेंसी अपनाई, जिसकी वजह से ट्राइबल मिलिशियाज बने और आज यहाँ पर कलेश चल रहा है। इसी के साथ साथ, अब क्योंकि ये मैप आप देख रहे हो, तो सबसे पहले यूँ समझो कि यहाँ पर ब्लू नाइल है, साउथ कोर्दोफन। अब जब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स की, तो आपको ये साउथ कोर्दोफन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स आए उसमें कभी भी ये नहीं पूछा गया है, बट इट शेयर्स बॉर्डर्स विद सूडान, साउथ सूडान, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सूडान, इट्स राइट नेक्स्ट टू ब्लू नाइल। ये सारे सवालों के जवाब आपके पास जब आप एग्जाम देने जाएं 2024 में होने चाहिए। मूविंग ऑन, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक भी CSEY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2024 प्रीलिम्स से पहले पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट कमिंग फॉर यू, एंड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दैट।